वेलकम बैक एवरीवन, रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस यूजिंग कंप्यूटर हाउ टू कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, कंप्यूटर असिस्टेड मैपिंग एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग क्लास 12 प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। इन एमएस एक्सेल देयर आर न्यूमेरस इनबिल्ट स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फंक्शंस। दिज फंक्शंस आर लोकेटेड इन इंसर्ट मेनू। अगर एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर की बात करें उसमें बहुत सारे इनबिल्ट स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल फंक्शंस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज़ करके हम मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल फंक्शन को ईजिली कर सकते हैं। एंड दे ऑल फंक्शंस आर लोकेटेड इन इंसर्ट मेन्यू। टू यूज द फंक्शन क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू एंड चूज एफ एक्स फंक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। नोट दैट योर कर्सर should be located in the cell where you want the formula to appear. अब देखिए यहाँ पे तो insert menu में अगर हम fs function का use करके हम बहुत सारे MS Excel software में inbuilt statistical और mathematical functions को या operations को हम generally कर सकते हैं। Some examples of applications of statistical functions are given below. अब अगर आपको याद होगा हमने chapter number 2 में डेटा प्रोसेसिंग में हम लोग ने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिकल टेबल रोज के द्वारा, कॉलम के द्वारा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड। हमने इन सभी को क्लास में इन डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन अगर हम इन सेंट्रल टेंडेंसीज को कैलकुलेट करने की बात करें तो वहाँ पे यूज ऑफ कंप्यूटर का और ज़्यादा बेहतर तरीके से करके हम उसे कर सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाई मीन, मीडियन एंड मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसीज को जनरली हम मीन के द्वारा, मीडियन के द्वारा और मोड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। रिथमेटिक मीन आर ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। रिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेरियस मीन होते हैं, लेकिन उसमें रिथमेटिक मीन को हम जनरली डे टू डे लाइफ में एवरेज कह के हम उसे ज़्यादा संबोधित करते हैं। इज अ कॉमनली यूज मैथड फॉर कैलकुलेटिंग द सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट और कॉमनली यूज किया जाने वाला मैथड का नाम क्या है? रिथमेटिक मीन, जिसे हम लोग जनरली एवरेज भी कहते हैं। इन एम एस एक्सेल इट इज डिनोटेड बाई इट्स पॉपुलर नेम एवरेज। एज एन एग्जाम्पल वी शैल कैलकुलेट मीन क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया। अब इंडिया के मीन क्रॉपिंग इंटेंसिटी को अगर कैलकुलेट करें ड्यूरिंग वेरियस डिकेड, विभिन्न दशकों में इंडिया का मीन क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या रहा है, और इसी का यूज करके हम लोग एम एस एक्सेल में हम इसे देख सकते हैं। और यहीं पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसके प्रोसेस को दिया गया है। हम ब्रीफ में इसे डिस्कस करेंगे और आप कंप्यूटर में इसे करते हुए, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए, आप कंप्यूटर में एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए किस तरीके से मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को ईजिली निकाल सकते हैं। Enter year-wise cropping intensity data in a worksheet as shown in figure 4.4. Then click on cell B12 using mouse. Click on insert menu. तो इन सभी steps का use करते हुए जब आप computer में MS Excel software की मदद से अगर central tendencies पे अगर आप काम करना चाहते हैं या किसी data का central tendency निकालना चाहते हैं तो हम इन सभी steps का use करके हम उसे easily computer पे proceed कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपको एक एम एस एक्सेल का यहाँ पे एक विजुअल इमेज दिया गया, फिगर 4.4 में देख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन यूजिंग स्टेटिस्टिकल फंक्शन इन एम एस एक्सेल। तो सबसे पहले हम अभी सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, जिसे हमें निकालना है सेंट्रल टेंडेंसीज के माध्यम से कि मीन आपका देख सकते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी विभिन्न डिकेट्स में इंडिया के वेरियस फसल को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिगर 4.5 में देख सकते हैं सेलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिकल फंक्शंस का यहां पे कैसे कर रहे हैं। फिगर 4.6 में देख सकते हैं डिफाइनिंग रेंज इन फंक्शन आर्गुमेंट्स डायलॉग बॉक्स। आगे अगर हम देखें द कंप्यूटेशन ऑफ मीन फॉर द गिवन डेटा रिवील्स दैट देयर हैज बीन एन इंप्रेसिव इंक्रीज इन मीन डिकेडल क्रॉपिंग इंटेंसिटी ओवर डिफरेंट डिकेट्स इन जनरल। तो अगर हम उसे देखें तो उसके आधार पर हमें क्या पता चलता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी में हमें मीन डिकेडल बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही अच्छा इंक्रीज
हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी में इंडिया में होते हुए जनरली दिखती है. एंड इन 1980s ऑनवर्ड इन पर्टिकुलर, इन फैक्ट ड्यूरिंग 1980s द ग्रीन रेवोल्यूशन अंडरवेंट अ स्पेशल स्प्रेड एंड ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एरिया अंडर ट्यूबवेल इरीगेशन टुक प्लेस. अब देखिए, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा होगा तो 60s के डिकेड में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. लेकिन 80s के डिकेड में इंडिया के और भी बहुत सारे एरिया में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के सेकेंड फेज को भी क्या किया, स्प्रेड किया, विच फैसिलिटेटेड कल्टिवेशन इन द एरिड रीजन्स एज वेल एज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स. Almost using almost the same procedure used for calculating mean as outlined above, you can calculate median, standard deviation and correlation. Some hints for this are provided in figure 4.6 and figure 4.8. अब इन सभी स्टेप्स को जब आप कंप्यूटर पर बैठ के किसी स्टेटिस्टिकल या किसी स्टेटिस्टिकल या किसी भी प्रकार के काम को अगर आप MS Excel सॉफ्टवेयर के द्वारा कर रहे हैं, तो इन सभी स्टेप्स को आप साथ साथ फॉलो करते हुए अपने कंप्यूटर पर उस फंक्शन को या उस प्रोसीजर को ईजिली प्रोसीड कर सकते हैं. अगर हम अगली कड़ी की ओर बढ़ें, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ. ग्राफ को हम कंप्यूटर का यूज करके कैसे इजीली उसी MS Excel लाइक सॉफ्टवेयर और अनदर सॉफ्टवेयर का यूज करके हम कर सकते हैं. यू नो दैट डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म एट टाइम्स मेक इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस अबाउट वट एवर इज बींग प्रेजेंटेड. हम लोगों ने स्टेटिस्टिकल फॉर्म में, रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, लेकिन उस टेबुलर फॉर्म के डेटा को ईजिली इन्फर करना या उसे कंपेयर करना उतना ईजी नहीं होता है. इसीलिए स्टेटिस्टिकल डेटा को हम कहीं ना कहीं विजुअल या ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ के द्वारा, मैप के द्वारा, चार्ट के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, फॉर ईजियर कंपेरिजन एंड फॉर ईजियर इंटरप्रिटेशन या ईजियर इन्फर करने के लिए हम उसे विजुअल या ग्राफिकल मोड में भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं. ऑन द अदर हैंड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन विजुअल और ग्राफिकल फॉर्म एनहेंसेस आर कैपेबिलिटीज टू मेक मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन द फेनोमेना रिप्रेजेंटेड. इसका मतलब क्या, ग्राफिकल या विजुअल फॉर्म हमें इजी, मीनिंगफुल, क्विक रिप्रेजेंटेशन या क्विक इन्फेरेंस हमें एज कम्पेयर टू स्टेटिस्टिकल या रो या कॉलम के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले डेटा के कंपेरिजन में ज़्यादा देता है. एंड प्रेजेंट अ सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स डिपिक्टेड. इन अदर वर्ड्स, ग्राफ एंड डायग्राम्स मेक अस टू डेसिफर द कंटेंट्स ऑफ डेटा इजिली. जो भी उस डेटा में कंटेंट है या जो भी उस डेटा के अंदर जिस भी चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, वो स्टेटिस्टिकल टेबल के कंपेरिजन में अगर ग्राफ, डायग्राम, विजुअल या ग्राफिकल फॉर्म के द्वारा वो इजिली अंडरस्टेबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक सेंस ऑफ द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया इफ़ द डेटा फॉर ऑल 50 years आर प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म. हाउएवर थ्रू अ लाइन ग्राफ और बार डायग्राम, वी कैन ईजिली ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स अबाउट द ट्रेंड इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया. लाइन ग्राफ और बार डायग्राम, जिसके द्वारा हम मोस्टली टाइम सीरीज डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, उसके द्वारा भी हम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को और इंटरफेरेंसेस को भी हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी के रिगार्डिंग इंडिया के विभिन्न फसलों के लिए भी निकाल सकते हैं. अब देखिए, इन बॉक्स में यहाँ पे ग्राफ के लिए, कहीं ना कहीं चार्ट के लिए, मैप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हिंट को या कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, इसे ध्यान देंगे. और यहाँ पे भी एक ओरल का क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में बन सकता है. डेटा टाइप्स एंड सम सुटेबल ग्राफिकल मेथड्स ऑफ देयर प्रेजेंटेशन. जब हम लोगों ने जनरल रूल्स फॉर ड्राइंग ग्राफ, देन आपका मैप, डायग्राम, चार्ट किया था, सुटेबल मेथड, देन सुटेबल स्केल और डिजाइन में लेजेंड की बात करें, टाइटल की बात करें, डायरेक्शंस की बात करें, इन सब चीजों को डिस्कस किया था. यहां पे है, टाइम सीरीज डेटा आर रिप्रेजेंटेड थ्रू लाइन ग्राफ एंड बार डायग्राम, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. बार डायग्राम्स एंड हिस्टोग्राम आर जनरली यूज्ड फॉर शोइंग शेयर्स और फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस यूनिट. जनरली वेरियस यूनिट्स के फ्रीक्वेंसीज को या उनके शेयर को शो करने के लिए हम जनरली कॉलमनर वर्टिकल
आप बोल सकते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर लाइक बार को हम लोग जनरली अलोंग विद हिस्टोग्राम को भी हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए या शेयर और फ्रीक्वेंसीज वेरियस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं. कंपाउंड बार डायग्राम एंड पाई चार्ट्स आर यूज्ड फॉर शोइंग शेयर्स ऑफ वेरियस यूनिट. एक ही यूनिट में अलग अलग वेरियस यूनिट्स के कंपोजिशन को या उनके अगर शेयर को दिखाना है तो उसके लिए बार डायग्राम के जिस स्पेसिफिक टाइप कंपाउंड को यूज करते हैं. और अगर 2D चार्ट में देखें या 2D डायग्राम में देखें तो वहाँ पे हम लोग पाई चार्ट का या पाई डायग्राम का जनरली हम वहाँ पे यूज करते हैं. मैप्स आर यूज्ड फॉर लोकेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन. अब देखिए अगर रिप्रेजेंटेशन देना है लेकिन वो इंडिया में कहाँ पे दिखाना है, किस पर्टिकुलर जगह पे दिखाना है, तो मैप वाइज या लोकेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन की बात करें उसमें मैप हमारा सबसे बेस्ट होता है. दिस हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग स्पेशल पैटर्न्स इन द डेटा. अगर डेटा में हमें स्पेशल पैटर्न को दिखाना है किस जगह के बारे में है, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखा रहे हैं, अगर हम बिहार के पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखा रहे हैं तो वहाँ पे कोरोप्लेथ मैप ज़्यादा हो सकता है. अगर हम बिहार के पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं तो वहाँ पे डॉट मैप का यूज़ कर सकते हैं. या फिर अगर बिहार में अगर आइसोथर्म की बात करें या नॉर्दर्न प्लेन में आइसोथर्म की आइसोबार की बात करें तो हम वहाँ पे आइसोप्लेथ मैप का, आइसोथर्म का, आइसोबार का ज़्यादातर यूज़ करते हैं. द सेलेक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्राफिकल मैथड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हम लोगों ने चैप्टर 3 में ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट वन, सपोज यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द शेयर ऑफ वर्कर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल कैटेगरीज बिटवीन 1981 एंड 2001, द मोस्ट सुटेबल ग्राफिकल मेथड्स वुड बी बार डायग्राम. तो अगर टाइम सीरीज की बात करें 1981 से 2001 में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या चेंजेस हमें जनरली उसके प्रोडक्ट्स में देखने के लिए या उसके प्रोडक्शन में देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए सबसे प्रेफरेबल बार डायग्राम या कॉलमनर बार डायग्राम को हम लोग जनरली लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे बार डायग्राम को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैनुअल मेथड के द्वारा या मैनुअली हमने स्टडी किया, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर का यूज करके अब किस तरीके से उसे और अच्छे तरीके के साथ और अच्छी एक्यूरेसी, कम समय और इजीली एडिटेबल, इजीली लिस्ट एरर के साथ हम उसे कैसे कंप्यूटर में बना सकते हैं, उसके लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 वेरियस स्टेप दिया गया, आप उसे फॉलो करते हुए कंप्यूटर में बैठ के इस चीज को और अच्छे से आप कर सकते हैं. अब देखिए यहां पे भी एमएस एक्सेल का यूज करके, और यहां पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट दिख रहा है, चार्ट विजार्ड. सो चार्ट विजार्ड को हम लोग सेलेक्ट करके कहीं ना कहीं स्टेप 1 एंड 4 और यहीं पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, डायग्राम, चार्ट, है ना, हम इसे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. आप यहाँ पे चार्ट के डिफरेंट टाइप्स को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. इसी तरीके से आप घर में भी या किसी और सेंटर में भी आप कंप्यूटर का यूज़ करके, हम कैसे मैप डायग्राम वगैरह अच्छे से बना सकते हैं, इसे आपको करके देखना होगा. थ्योरी के द्वारा ये ज़्यादा अंडरस्टेबल नहीं होगा, इसे करके देखना पड़ेगा. यहाँ पे स्टेप 6 में आप देख सकते हैं, स्टेप 7 में देख सकते थे, दे ऑल आर द डिफरेंट स्टेप्स कि कैसे हम कंप्यूटर का यूज़ करके बार डायग्राम या डिफरेंट टाइप के डायग्राम का हम लोग यूज़ कर सकते हैं या उसे कंप्यूटर में कुछ यू कहें बना सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे फिगर 4.15 में आप देख सकते हैं द कंप्लीट बार डायग्राम. अब अगर आप देखें कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउस होल्ड लेबरर्स एंड अदर वर्कर्स, यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ किया गया है. एक्स एक्सिस में डिफरेंट सेक्टर्स हैं और वाई एक्सिस में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमने परसेंटेज क्या लिया है. यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ बार्स फ्रॉम कलर्स टू शेड्स और वाइस वर्सा बाई क्लिकिंग ऑन द बार्स. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट्स और ग्रिडीनेस इट रिक्वायर्ड. तो कहने का मतलब क्या कि कंप्यूटर यहीं पे मैनुअल मेथड पे एक बड़ा डोमिनेटिंग हमें रूप दिखाता हुआ दिखता है कि एक बार मैनुअली बनाने के बाद उसे एडिट करना, उसे बदलना, उसे मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है. लेकिन अगर कंप्यूटर में हम इन सब चीज़ों को करें तो कंप्यूटर इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली चेंज कर सकता है. शेयरेबल ईजी है, एडिटेबल ईजी है, कहीं भी कोई भी एरर है हम कम से कम टाइम में उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर प्रकार के चेंजेस को भी अगर आगे हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसमें कंप्यूटर का यूज़ करके ला भी सकते हैं. द अबव डायग्राम shows the share of cultivators has declined significantly over the 2 decades and the share of other workers has appreciably
Ryzen and the shares of agriculturers and household laborers have largely been the सेम. यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कल्टीवेटर्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे या उनका इन्वॉल्वमेंट वर्कफोर्स में कम हुआ है. एग्रीकल्चरल लेबरर्स का थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है. हाउस होल्ड लेबरर्स का देखें तो ऑलमोस्ट सेम है. और अदर वर्कर्स का भी देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है. अब देखिए फिर यहाँ पे कंप्यूटर के रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट नॉर्म्स फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है. नंबर वन, अ फिगर शुड हैव इट्स फिगर नंबर. आप जिस भी फिगर को वहाँ पे कर रहे हैं उसका फिगर नंबर वहाँ पे मेंशन जरूर होना चाहिए. इट शुड हैव अ सुटेबल टाइटल इन विच टाइम एंड स्पेस इट रिलेट्स टू शुड ऑल्सो बी मैंशन. टाइटल सब टाइटल सारा मैंशन होना चाहिए. विद इन टाइटल और सब टाइटल द यूनिट इन विच द क्वान्टिटीज आर शोन शुड बी मैंशन. किस क्वान्टिटी को शो किया जा रहा है ये जरूर मैंशन हो. द टाइटल सब टाइटल टाइटल ऑफ एक्सेस लेजेंड एंड द मेन प्रेजेंटेशन शुड बी शोन विद सुटेबल फॉन्ट साइज एंड टाइप सो दैट दे ऑक्यूपाई स्पेस इन अ बैलेंस्ड मैनर. तो कुल मिला के आपको कंप्यूटर में जब आप मैप डायग्राम वगैरह एमएस एक्सेल का यूज करके या अदर सॉफ्टवेयर का यूज करके जब आप बना रहे हो तो वहां पे इन सभी प्रिकॉशंस का या इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है. अब सबसे अहम कड़ी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर एजिस्टेड मैपिंग क्या होता है. कंप्यूटर एजिस्टेड मैपिंग जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कंप्यूटर के हेल्प से मैपिंग करना या मैप वर्क करना ही कंप्यूटर एजिस्टेड मैपिंग है. द मैप्स में ऑल्सो बी ड्रॉन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर. मैप को कंप्यूटर हार्डवेयर और मैपिंग सॉफ्टवेयर दोनों का यूज करके हम उसे अच्छे से बना सकते हैं. द कंप्यूटर एजिस्टेड मैपिंग एसेंशियली रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल डेटाबेस अलोंग विद इट्स इंटीग्रेशन विद एट्रीब्यूटेड और नॉन स्पेशल डेटा. तो जब हम लोग कंप्यूटर एजिस्टेड मैपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि स्पेशल डेटाबेस उस जगह का पर्टिकुलरली डेटा इंफॉर्मेशन उसके स्पेशल डेटा और उसके नॉन स्पेशल एट्रीब्यूट डेटा का होना चाहिए. इट फर्दर इन्वॉल्व द वेरीफिकेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्टोर्ड डेटा. जो भी डेटा स्टोर किया गया है उसे वेरीफाई करना जरूरी है और उसकी अच्छे से स्ट्रक्चरिंग है या नहीं है उसे भी देखना जरूरी है. डेटा मस्ट बी ज्योमेट्रिकली रजिस्टर्ड टू अ जनरली एक्सेप्टेड एंड प्रॉपरली डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोडेड सो दैट दे कैन बी स्टोर्ड इन द इंटरनल डेटाबेस स्ट्रक्चर विद इन द कंप्यूटर. यहां पे क्या कहा जा रहा है कि डेटा मस्ट बी ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकल टेक्निक से या ग्राफ डायग्राम इन सभी टेक्निक्स अगर बनाना चाहिए ज्योमेट्रिकली वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसके लोकेशन की सारी जानकारी होनी चाहिए. हेंस केयर मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग द कंप्यूटर फॉर मैपिंग पर्पस. अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर एजिस्टेड जब मैपिंग की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हम डेटा को जनरली दो तरीके से लेते हैं. फर्स्ट वन इज द स्पेशियल डेटा एंड द सेकेंड वन इज द नॉन स्पेशियल और एट्रीब्यूट डेटा. द स्पेशियल डेटा रिप्रेजेंट अ ज्योग्राफिकल स्पेस. कोई भी एक ऐसा डेटा जो ज्योग्राफिकल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है चाहे वो फिजिकल फीचर हो चाहे वो कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड फीचर हो इसे ही हम लोग स्पेशियल डेटा या जो ज्योग्राफिकल स्पेस से जुड़ा हुआ जो डेटा होता है हम उसे ही क्या कहते हैं स्पेशियल डेटा कहते हैं. दे आर कैरेक्टराइज बाय द पॉइंट्स लाइन्स एंड पॉलीगन्स. अब देखिए स्पेशियल डेटा का जो कैरेक्टराइजेशन होता है या उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तीन चीज़ों के माध्यम से जनरली होता है. फर्स्ट वन इज द पॉइंट, सेकेंड वन इज द लाइन एंड थर्ड वन इज द जहाँ पे कई सारे लाइन मिलके एक पॉलीगन बनाते हैं हम उसे ही क्या कहते हैं पॉलीगन्स कहते हैं. अगर आप इन तीनों को अगर आप समझना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट जो डायमेंशनल लेस होता है, सेकेंड वन जो लीनियर फीचर के द्वारा होता है हम उसे मोस्टली लाइन कहते हैं, और जब कई सारे लाइंस आपस में इंटरकनेक्टेड एक लॉकिंग सिस्टम की तरह होते हैं हम उसे ही जनरली पॉलीगन कहते हैं. जो लेक की बात करें एरिया की बात करें किसी कंट्री की बात करें किसी रीजन की बात करें किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें उसके द्वारा जनरली हम उसे क्या करते हैं शो करते हैं. अभी थोड़ी देर में हम स्पेशल डेटा उनके सभी चीज़ों को इन डिटेल रखेंगे. यहाँ पे द पॉइंट डेटा रिप्रेजेंट पोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर. कुछ ज्योग्राफिकल फीचर के पोजिशनल फीचर को वो बताता है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल हॉस्पिटल वेल्स ट्यूब वेल्स
टाउन, विलेजेस, मैप में इनके पोजीशन को दिखाने के लिए हम जनरली पॉइंट का यूज करते हैं. इन अदर वर्ड्स, इफ वी वांट टू प्रेजेंट द अकरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ मैप इन डायमेंशनलेस, अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट जनरली जीरो डायमेंशन को बताता है, या डायमेंशनलेस के फॉर्म में अगर इन सभी ऑब्जेक्ट को मैप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम वहां पे पॉइंट सेगमेंट का यूज ज्यादा करते हैं. तो याद रखिएगा, जो पॉइंट होता है वो डायमेंशन लेस स्केल बट विद रेफरेंस टू लोकेशन वी यूज पॉइंट. सिमिलरली लाइंस आर यूज्ड टू डिपिक्ट लीनियर फीचर. अगर लोकेशन वाले फीचर को अगर हम डायमेंशन लेस फॉर्म में अगर लोकेट करना चाहे तो वहां पे हम लोग पॉइंट का यूज करके करते हैं. लेकिन अगर लीनियर फीचर की बात करें, रोडवे, रेलवे, कैनाल, रिवर, पावर, कम्युनिकेशन लाइंस, अगर बात करें रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, तो इसके लिए हम जनरली लीनियर फीचर का यूज ज़्यादा करते हैं. एंड द थर्ड वन, द पॉलीगन्स आर मेड ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस बाउंडिंग अ सर्टेन एरिया एंड आर यूज्ड टू शो एरिया फीचर सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक्स, लैंड यूज टाइप, कल्टिवेटेड एरिया, फॉरेस्टेड लैंड्स, डिग्रेडेड वेस्ट लैंड्स, पेस्चर लैंड्स एंड फीचर्स लाइक पॉन्ड, लेक्स. तो यहाँ पे अगर लोकेशन को दिखाना हो तो पॉइंट सेगमेंट का लीनियर फीचर लाइक रिवर दिखाना हो, कैनाल दिखाना हो, रोडवे दिखाना हो, रेलवे दिखाना हो, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे हम लोग जनरली लीनियर फीचर का. लेकिन अगर इंटरकनेक्टेड लीनियर फीचर एज अ पॉलीगन क्लोज एरिया को, झील को दिखाना हो, विलेज को दिखाना हो, ब्लॉक को दिखाना है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को दिखाना हो, तो वी जनरली प्रेफर पॉलीगन. सो अगर यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि स्पेशल डेटा क्या है, सो स्पेशल डेटा रेफर्स टू ज्योग्राफिकल स्पेस कैरेक्टराइज बाई पॉइंट, लाइन्स एंड पॉलीगन्स. पॉइंट के द्वारा लोकेशन, लाइंस के द्वारा लीनियर फीचर एंड पॉलीगन्स के द्वारा इंटरकनेक्टेड लाइंस के द्वारा किसी क्लोज्ड एरिया लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, इनको दिखा सकते हैं. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नॉन स्पेशियल डेटा, ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट डेटा. द डेटा डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशियल डेटा आर कॉल्ड नॉन स्पेशियल और एट्रीब्यूट डेटा. एक ऐसा डेटा जो स्पेशियल डेटा को डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन देता है, हम उसे ही एट्रीब्यूट या उसे ही नॉन स्पेशियल डेटा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव मैप शोविंग पोजिशनल लोकेशन ऑफ योर स्कूल, यू कैन अटैच द इंफॉर्मेशन सच एज द नेम ऑफ द स्कूल. स्कूल को पॉइंट के फॉर्म में हमने कहाँ पे दिखाया, हमने स्पेशल डेटा, लेकिन उस स्कूल का नाम क्या है, उस स्कूल में कितने टीचर हैं, उस स्कूल में कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उस स्कूल में एडमिशन का शेड्यूल क्या है, एंड एग्जाम और उसमें एग्जामिनेशन के शेड्यूल्स क्या है, वहाँ पे अवेलेबल फैसिलिटीज़ क्या है, वहाँ पे लाइब्रेरी, लैब्स, इक्विपमेंट. इन अदर वर्ड्स, यू विल बी डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्पेशल डेटा. दस नॉन स्पेशल डेटा आर ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूटेड डेटा. तो आप यहाँ पे स्पेशल डेटा, नॉन स्पेशल डेटा, बेशक डेटा के कैटेगराइजेशन में दोनों अलग अलग हो, लेकिन बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. अब जो डेटा जाए है, उन सभी डेटा के सोर्सेस क्या है, तो टू डिफरेंट सोर्सेस. फर्स्ट वन, द ज्योग्राफिकल डेटा आर अवेलेबल इन एनालॉग. एनालॉग का मतलब क्या कि एक ऐसा डेटा जो हमें मैप के द्वारा या फिर जो हमें एरियल फोटोग्राफ्स के द्वारा, जो आप लोगों ने क्लास 11 में वर्टिकल, लो ऑब्लिक, हाई ऑब्लिक के फॉर्म में पढ़ा था, तो एरियल फोटोग्राफ के द्वारा या किसी भी एरियल डिवाइस के द्वारा या किसी भी हवा में उड़ने वाले डिवाइस के द्वारा जो भी फोटोग्राफ लिया आया था, हम उसे एरियल फोटोग्राफ कहते हैं. एरियल फोटोग्राफ और मैप, दे ऑल आर कम्स अंडर एनालॉग. लेकिन अगर किसी भी मैप को डिजिटलाइज करके, स्कैन करके अगर हम उसे यूज करते हैं, तो हम उसे ही डिजिटल या डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा भी हम उसे कई बार कहते हैं. अब यहाँ पे कई बार ये सवाल यहाँ पे एक्सटर्नल हमसे पूछते हैं कि अगर कंप्यूटर हार्डवेयर और मैपिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अगर मैप बना सकते हैं कंप्यूटर पे, तो उसके लिए कुछ मैपिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें पड़ती है. उन कुछ मैपिंग सॉफ्टवेयर के नाम को बस हम यहाँ पे देख लेंगे. देर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियली अवेलेबल मैपिंग सॉफ्टवेयर सच एज ArcGIS. एक ArcGIS बहुत ही कॉमनली अवेलेबल मैपिंग सॉफ्टवेयर है. ArcView, नेक्स्ट जियोमीडिया, ग्रैम, इद्रिसी, जियोमेटिका, दे ऑल आर मैपिंग सॉफ्टवेयर. दे आर ऑल्सो, देर आर ऑल्सो अ फ्यू फ्रीली डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट.
However, it would be difficult to discuss the capabilities of each one of these software under the constraints of time and space. We will therefore. A mapping software provides functions for spatial and attribute data input through on-screen digitization of scan map. हम scan map का on-screen digitization कर सकते हैं, correction of errors कर सकते हैं, उसे further edit कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केल, अगर किसी मैप को छोटा करना हो, किसी मैप को बड़ा करना हो, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन का इंसर्ट करना हो, तो हम वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग स्केल में चेंज, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, प्रोजेक्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, डेटा इंटीग्रेशन, मैप डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। तो इस डिस्कशन में हमने सेंट्रल टेंडेंसीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, कंप्यूटर एजिस्टेड मैपिंग, स्पेशल डेटा, नॉन स्पेशल डेटा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग सॉफ्टवेयर को हमने इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप इस डिस्कशन से इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में आपकी हेल्प हो पाएगी। इस वीडियो में इतनी ही बातें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।